देश भर के अखिल भारतीय कालिदास समारोह की शुरुआत से पहले आज सुबह कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। शहर के गणमान्य नागरिक के अलावा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और अलग अलग वेशभूषा में नृत्य करते हुए अपनी कलाकारी दिखाई। सज्जन वर्मा ने कालिदास अकेडमी में कलश की स्थापना की। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का गुरुवार को विधिवत शुभारम्भ किया गया। देश भर के जाने माने अखिल भारतीय कालिदास समारोह की शुरुआत कल से होगी, लेकिन आज से इसके पहले एक बड़ी कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश के मंत्री और प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा भी शामिल हुए। कलश यात्रा की शुरुआत शिप्रा नदी के जल से कलश का पूजन अभिषेक करके की गई, जिसके बाद कलश को महाकाल मंदिर लाया गया। महाकाल मंदिर से कलश यात्रा में बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद थे। छात्र छात्राएं नाचते गाते हुए चल रहे थे। यात्रा में कालिदास के रचित नाटक मेघदूतम, ऋतु संहार, मालविका, ग्रिमित्रम जैसे जाने पहचाने नाटकों का वर्णन भी किया गया था। सुबह 7:30 बजे रामघाट पर कलश पूजन के बाद महाकाल मंदिर के लिए निकाला गया। कलश यात्रा के दौरान उज्जैन वासियों को पीले चावल बांटते हुए यात्रा अकेडमी पहुंची। कलाकारों द्वारा कलश यात्रा के दौरान मार्ग पर रंगोली भी बनाई गई थी। कलश यात्रा में विक्रमादित्य के नवरत्नों और कालिदास साहित्य पर केंद्रित चित्र और झांकियां भी शामिल रही। महाकाल मंदिर से गुदरी, गोपाल मंदिर, कंठाल, नई सड़क, दौलतगंज, देवास गेट, टावर स्क्वायर और दशहरा मैदान होते हुए अकादमी पहुंचेगी। गुरुवार शाम 7 बजे राजकोट के हेमंत चौहान और साथियों द्वारा गायन किया जाएगा। अकादमी परिसर स्थित भरत विशाल रंगमंच पर कार्यक्रम होगा। इनके अलावा उज्जैन के पंडित आशुतोष शास्त्री का गायन भी किया जाएगा। कालिदास महोत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है, और ये 8 नवंबर से 14 नवंबर के मध्य आयोजित किया जा रहा है। और इसकी मुख्य इसका उद्देश्य ये है कि संस्कृति को और हमारे परम पूजनीय कालिदास जी की जो भी रचनाएं हैं उसको याद रखते हुए कला को एवं रचना को आगे प्रोत्साहित किया जाए। और 7 तारीख से आज कलश यात्रा से इसका शुभारंभ हुआ है और कल इसका उद्घाटन होगा। साथ ही यहाँ पर एक मेला भी आयोजित रहेगा, जहाँ पर जो हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं उनका भी विक्रय होगा। जी, कहाँ कहाँ के कलाकार इसमें आने वाले हैं? पूरे देश से पर कलाकार आ रहे हैं, यहाँ तक कि मणिपुर से भी कुछ कला ग्रुप आ रहे हैं, और अलग अलग स्लॉट्स में ये आयोजन होगा। कालिदास समारोह भारत की गौरवशाली परंपरा का जीवंत उदाहरण यदि कहीं देखना है तो उज्जैन की उस धरा पे आ जाए। आज से उसका शुभारंभ हुआ है कालिदास समारोह का। आज इतनी विशाल संख्या में चल समारोह के माध्यम से उज्जैन के साथियों ने हिस्सा लिया और वो परंपरा का निर्वहन किया, और आज से चालू हो गया। 8 दिन हमारा ये चलता रहेगा कालिदास समारोह, और इसमें देश की वो तमाम हस्तियां अलग अलग विधाओं में जो निपुण हैं, कलाओं में जो निपुण हैं, वो सर्वमान्य हस्तियां यहाँ आके शिरकत करेंगी।